दोस्तों, मैं हूं मनोज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मनोज क्रिएशन पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर आपके लिए एक्सप्लोर करने वाला हूं, वो है पिंक सिटी यानी जयपुर। राजा महाराजों का शहर जयपुर का आज टॉप 10 प्लेस में एक्सप्लोर करूंगा, तो बने रही इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को सवाई राजा दूसरे ने बनाया था। ये पैलेस जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिटी पैलेस को 7 अलग अलग विभागों में विभाजित कराया गया है, जिससे पहला है बगीखाना। बगीखाना में अलग अलग प्रकार का बगी रखा गया है, जिससे सबसे खास है विक्टोरिया बगी। इसके अलावा सभा निवास, सर्वद्र चक्र, प्रीतम निवास, मुबारक महल, सिले खाना व 36 कारखाना विभाग जैसे यहाँ मौजूद है। इसके सिटी पैलेस में राजा महाराजा का रॉयल फैमिली रहते हैं। इसके अलावा आप सिटी पैलेस के म्यूजियम भी देख सकते हैं। म्यूजियम में राजा महाराजा का चित्र है, उनका अस्त्र शस्त्र, पोशाक और बहुत सारे चीज़ें जो कि आप म्यूजियम में देख सकते हैं। दोस्तों, ये सिटी पैलेस पिंक सिटी तुलसी मार गंगोरी बाजार पर स्थित है। इसका खुलने का टाइम है सुबह के 9 बजे और क्लोज का टाइम है इवनिंग को 5 बजे। इंडियन के लिए एंट्री फीस है 40 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए एंट्री फीस है 300। नंबर 2, जल महल। अरावली पहाड़ के गर्भ में स्थित जल महल मानसागर की झील के बीच में है। झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आईबॉल भी कहा जाता है। इस महल की रचना सवाई जयसवी ने करवाई थी। इस महल की इस्तेमाल राजा अपनी रानी के साथ कुछ खास समय बिताने के लिए करवाया था, इसलिए इस महल को रोमांटिक महल भी कहा जाता है। 5 मंजिल की इस महल को 4 मंजिल तो हमेशा पानी में डूबा रहता है, ऊपर केवल एक ही मंजिल आप देख सकते हैं। चांदनी रात में ये महल देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस जल महल में अंदर जाने के लिए सख्त मनाई है, लेकिन जो विदेश पर्यटकों डोनेशन देता है तो उनको अंदर जाने के लिए परमिशन मिलता है। ये जल महल गंगरी बाजार JDA मार्केट पिंक सिटी पर पड़ता है। इसका खुलने का समय सुबह के 9:30 बजे और इसका बंद होने का समय इवनिंग के 4:30 बजे। इंडियन के लिए एंट्री फीस है 50 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए एंट्री फीस है 200 रुपीज़। नंबर 3, बिरला मंदिर। इस मंदिर का रचना 1988 में हुई थी। इस मंदिर को लक्ष्मीनारायण टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। ये मंदिर मोती डोंगरी के जस्ट नीचे पहाड़ी में बसा हुआ है। नंबर 4, आल्बर्ट हॉल म्यूजियम। जयपुर में स्थित इस म्यूजियम की रचना 1887 में हुई थी। ये म्यूजियम अपनी पुरानी चीज़ों की संग्रह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस सब में सबसे प्रसिद्ध है इस म्यूजियम में 2300 साल की सबसे पुराना इजिप्ट की मम्मी। ये मम्मी तूतू नाम की एक महिला की है, जिसे सन 1887 में कायरा म्यूजियम से डोनेट किया गया था। इसको इस म्यूजियम में ला के 130 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। नंबर 5, नाहरगढ़ किला। इस किले को निर्माण राजा जयसिंह दूसरे ने करवाया था। इस किले का निर्माण जयपुर सिटी के सिक्योरिटी के पर्पस के लिए किया गया था। इस किले में कभी भी अभी तक हमला नहीं हुआ है। इस किले में देखने वाली सबसे पहले चीज आती है वक्स म्यूजियम, जिससे आप महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और बहुत सी नामी लोगों की स्टैचू आपको देखने मिल जाएगी। ये किला अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। इसका खुलने का समय सुबह के 9 बजे और बंद होने का समय शाम के 5:30 बजे। इंडियन के लिए एंट्री फीस है 10 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए एंट्री फीस है ओनली 50 रुपीज़। नंबर 6, चौकीदानी। ये एक रेस्टोरेंट है और ये एक गाँव में स्थित है। ये रेस्टोरेंट वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में से एक है जयपुर का। ट्रंक रोड से 12 किलोमीटर दूरी पर सीतापुर गांव में जयपुर में ये रेस्टोरेंट पड़ता है। इसका खुलने का समय शाम को 5:30 बजे से रात को 11 बजे तक। इस होटल में रुकने के लिए 3 पैकेजेस है। पहला है 750 रुपया पर पर्सन और रॉयल है 950 रुपया पर पर्सन और थर्ड है मल्टी कजन रेस्टोरेंट, जिसका चार्जेस है 1200 रुपये पर पर्सन। नंबर 7, चांद बावड़ी।
चांद बावड़ी दुनिया का सबसे गहरी बावड़ी है जो अंबनेरी गांव में स्थित है, जिसका निर्माण राजा मिहिर भोज के करवाया था, जिन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था। ये मंजिल 13 मंजिल है। ये बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा अधिक गहरी है, जिसमें 3500 सीढ़ियां मौजूद है। नंबर 8, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला जयपुर की चिलकटिला पहाड़ी की ऊपर स्थित है, जिसका निर्माण 1726 में राजा सवाई जैसे दूसरे ने करवाया था। इस किले का खास बात यह है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पहियों वाली तोप मौजूद है और इस किले का निर्माण संरक्षण के तौर पर करवाया गया था। इस किले का ओपन टाइम मॉर्निंग को सुबह 9 बजे और क्लोजिंग टाइम शाम को 4:30 बजे। इंडियन के लिए एंट्री फीस है 25 रुपीज और फॉरेनर के लिए एंट्री फीस है 75 रुपीज। नंबर 9, जंतर मंतर। यहाँ 19 जंतरों वाले स्टोन ऑब्जेक्ट्री है। ये ऑब्जेक्ट्री यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और खास बात ये है कि आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। इसका कुछ खास यंत्र में से विराट सम्राट यंत्र ये दुनिया का सबसे बड़ा संकलक है, जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस यंत्र में आप हर 2 सेकंड में सन की मूविंग का पता लगा सकते हैं। ये जंतर मंतर गंगरी बाजार GTA मार्केट पिंक सिटी पर पड़ता है। इसका खुलने का टाइम सुबह के 9:30 बजे और बंद होने का टाइम शाम को 4:30 बजे। इंडियन के लिए एंट्री फीस है 50 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए एंट्री फीस है 200 रुपीज़। नंबर 10, हवा महल। हवा महल जयपुर की दिल में बसा हुआ है। ये जयपुर की शान है और सम्मान का प्रतीक है, जिसका रचना महाराजा सवाई प्रताप जी ने करवाई थी, जिसका उद्देश्य था कि महल की सारी महिलाएं खिड़की के द्वारा बाहर होने वाले सारे उत्सव को देख सके। इस हवा महल का निर्माण गुलाबी और लाल पत्थरों से की गई है। इस पे 953 खिड़कियां हैं और ये 5 मंजिला है। ये हवा महल JDA मार्केट पिंक सिटी पर पड़ता है। इसका खुलने का टाइम सुबह 9 बजे और क्लोजिंग टाइम इवनिंग के 4:30 बजे। इंडियन के लिए 10 रुपीज और फॉरेनर के लिए 50 रुपीज है। अगर आप मंडे जाओगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, अगर आप फ्राइडे जाओगे तो ये बंद रहेगा। तो अगर आप कभी भी जाओगे तो डे देख के जाना, क्योंकि फ्राइडे ये क्लोज रहता है। दोस्तों, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, प्यार लुटाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।